गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड क्लास। अब जो हमारा सेकंड क्लास का जो टॉपिक है, गारंटी हमारा कंप्लीट हो चुका। एक टॉपिक लास्ट इस चैप्टर में बचा है, एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं जब आपकी पार्टनरशिप अकाउंट क्या हो चुके हैं, क्लोज करने हैं। एडजस्टमेंट कब करने होते हैं? एडजस्टमेंट करने होते हैं जब हमसे कोई चीज भूल जाए, ओमिशंस या रॉन्ग रिकॉर्डेड ऐसा कुछ हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आप कोई चीज प्रोवाइड नहीं करवा पाते हो, ऐसा कुछ होने पर आपको क्या करने होते हैं? एडजस्टमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, sometime profit is distributed, sometime profit is distributed in partners without given considerations according to partnership deed। क्या लिखा है अब तक? sometime प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स विदाउट गिवन कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। सो फर्म अकाउंट एडजस्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो फर्म को एडजस्ट करना होगा जब अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपने कोई चीज नहीं दी है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपने कोई चीज अवेलेबल नहीं करवाई है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट गलत है, रॉन्ग है। अब रॉन्ग अकाउंट है तो उनको क्या करना पड़ेगा? राइट करना है। तो रॉन्ग से राइट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो हमने लिखा सम टाइम प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स विदाउट गिवन कंसीडरेशंस अकाउंटिंग टू पार्टनरशिप डीड। सो फर्म अकाउंट एडजस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कितने मेथड से किए जा सकते हैं? ये जो एडजस्टमेंट है वो दो टाइप से किए जा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एडजस्टमेंट किया जा सकता है पासिंग सिंगल एंट्री। पासिंग सिंगल एंट्री, एक एंट्री देके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे होगा समझाऊंगा। और एक हो सकता है पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो जो भी हमारे एडजस्टमेंट है उनके कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। दो टाइप से हम इन एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। पासिंग सिंगल एंट्री, सिर्फ एक एंट्री प्रोवाइड करके, एक एंट्री दे करके, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को। अब जो इनके बेस है पासिंग सिंगल एंट्री, इनका बेस क्या होता है? इनका ब्रैकेट पे लिख रहा हूं, जो सिंगल एंट्री आप बनाओगे उसके लिए आपके लिए बेस क्या होगा? बेस ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका बेस होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाओगे तो उसका बेस क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया भी था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं लेकिन कुछ गलत हो जाए और अगला बोले नेक्स्ट अकाउंट बनाओ तो उसका नाम एप्रोप्रिएशन ना होगी, क्या होगा? एडजस्टमेंट। तो बेस एप्रोप्रिएशन हो गया। बेस को क्यों लिखा? वो सेम इसकी जैसे बनता है, बस प्रॉफिट नहीं लिखा जाता, बाकी हर वो चीज़ लिखी जाएगी जो आपने ओमिशंस या रॉन्ग लिख दिया था, रॉन्ग कर दिया था, भूल गए थे। और किस साइड लिखी जाएगी? उसी साइड लिखी जाएगी जिस साइड एप्रोप्रिएशन में आती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, जो एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डी आर। एडजस्टमेंट में भी डी आर है। सैलरी बोनस कमीशन प्रोवाइड नहीं करवाए, एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डी आर। एडजस्टमेंट में भी डी आर आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्टिंग चार्ज नहीं किया तो किधर आ जाएगा? सी आर। ओके, और डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस प्रॉफिट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट जो है वो ये पासिंग सिंगल इंट्री, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 99.98% इसी पे है, 0.02% मानो इस पर आए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने के बजाय वो एप्रोप्रिएशन ही पूछ लेंगे तो एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन नहीं आता। इस पर आया कैसे होता है? तो जब सिंगल एंट्री करते हैं तो वो एंट्री क्या बनती है, वो कैसे बनती है, उसको सिखाता हूँ। देखो समझ लीजिए, जो पासिंग सिंगल एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है गैनर टू सैक्रिफाइजर, या इससे कह दो कि जो गैनर है वो देंगे जिसको सैक्रिफाइस, जिन्होंने त्याग किया उनको, या लूजर को। तो डेबिट भी पार्टनर होंगे, क्रेडिट भी पार्टनर होंगे, ठीक है ना? पासिंग सिंगल एंट्री में गैनर टू सैक्रिफाइसिंग कैसे, ये देखो। जैसे दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर को सैलरी देना था, आपने सैलरी नहीं दी और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इन दोनों में। यानी वो जो पैसा आपको इनको देना था वो इनके पास तो नहीं आया, लेकिन वो पैसा है किनके पास? इन दोनों के पास ही तो है। तो हो सकता है कुछ तो इसके पास आ चुका, और जो कुछ आना था वो कहाँ पड़ा है? इस दूसरे वाले के पास पड़ा है। तो इसको करो डेबिट, इसको कर दो क्रेडिट। बात खत्म। आई क्या समझ में बात? देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज ए और बी, बी को 2000 की सैलरी मिलनी चाहिए और नहीं दी गई, तो आपने वो 2000 क्या किया होगा? डिवाइड कर दिया होगा, कोई भी रेशियो नहीं है, कितना कितना मिल गया होगा? 1000 और 1000 मिल गए। अब बी को जो 2000 मिलने थे वो 2000 तो नहीं मिले, लेकिन 1000 तो मिल ही गया। जो बचा हुआ 1000 वो किसके पास चला गया? ए के पास। तो हमें तो बस ये 1000 और लेने, हम यहाँ लागे चलते ना। ए अकाउंट डी आर टू कितना? 1000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइस, पार्टनर कैपिटल। इसमें गैनर कौन हो गया था? ए। ए को ज्यादा मिल गया था, सैक्रिफाइस त्याग किसका हो गया था? बी का। तो ए से लेके वापस से बी को दे दिया और एडजस्टमेंट कर दिया। मैंने बोला इसमें पार्टनर्स बेस और पार्टनर कैपिटल, ये बेस कैसे बनता है इसको समझना आराम से। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है हमारा, क्वेश्चन की क्या करना है। क्वेश्चन में जब पासिंग सिंगल एंट्री होगी तो सिंगल एंट्री देने के लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा। एक टेबल क्रिएट करेंगे, वो टेबल का क्या फॉर्मेट है वो देखो। पासिंग सिंगल एंट्री करते समय हमें एक टेबल को क्रिएट करना होगा, कुछ टेबल ऐसे बनेंगे। पर्टिकुलर
जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम, जैसे मैं दो पार्टनर ले रहा हूं एक्स और वाई, तो एक्स वाई तो ए कौन हो जाएगी फॉर्म, एक्स और वाई के दो कॉलम हो जाएंगे डी आर और सी आर, क्योंकि पार्टनर कैपिटल में दो कॉलम होते हैं डी आर साइड पे और सी आर साइड पे, वाई का भी क्या हो जाएगा डी आर और सी आर, फर्म के भी दो होते हैं डी आर एंड सी आर। ये तो उस टेबल का फॉर्मेट सा है जो हमें सिंगल एंट्री में क्या करेगा हेल्प करेगा, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर से तीन है तो तीन कॉलम, दो है तो दो, चार है तो चार, और साथ में फर्म है और सभी पार्टनर्स के डीआरसीआर कॉलम होंगे, क्यों होंगे ये पार्टनर कैपिटल में तो दोनों कॉलम होते हैं डीआर भी और सीआर। हाँ तो पास सिंगल एंट्री में हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक्स वाई और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और फ्रंट का भी डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें चीजें कैसे चलनी है सैम, आपका अब ये रूल अपनाना है पार्टनर कैपिटल वाला। जैसे कोई बोलते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं हुआ है तो आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो पार्टनर से किधर आता है पार्टनर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी आर साइड, तो सी आर साइड लिख, तो फर्क नहीं किधर आएगा हमेशा अपोजिट साइड किधर डी आर। सपोज क्वेश्चन में बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स प्रोवाइड नहीं करवाया तो किस साइड आता है डी आर साइड, पार्टनर कैपिटल में डी आर साइड आता है तो फर्म भी इधर आ जाएगा सी आर। सपोज क्वेश्चन बोले सैलरी बोनस कमीशन ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया, जिस पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करवाया उसको प्रोवाइड करवा दो, जैसे एक्स है तो एक्स के सी आर में, वाई है तो वाई के सी आर में, फर्म भी इधर आ जाएगा डी। यहाँ तक तो आपको ऐसे जो भी गलतियां आपसे हो गई उन गलतियों को लिखना है, कोई डाउट? अब आगे क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म के जो अकाउंट है उनका बैलेंसिंग कर देना है, तो फर्म का अकाउंट है इसका बैलेंसिंग करोगे, सपोज डी आर जाता है तो कितना अमाउंट आएगी सी आर, और दोनों फर्म के टोटल का क्या करोगे बैलेंसिंग। अब बोलो फर्म के अमाउंट किधर आया सी आर, तो पार्टनर से किधर जाना चाहिए डीआर, तो पार्टनर्स के डीआर में पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट रेशियो, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ प्लस करना है, प्लस 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 बैलेंस नहीं निकालना है, बैलेंस सिर्फ फर्म का निकलेगा और उस अमाउंट को अपोजिट साइड डिवाइड कर देना और अब इनको प्लस करना है। अब इन प्लस में ये देखना है कौन सा मोर देन है नेक्स्ट अकाउंट, जैसे एक्स का डीआर और सीआर एक अमाउंट लिख देता हूं ऑलरेडी ताकि समझ में आए। सपोज एक्स का डीआर आया 16,000 और इसका आया 18,000, इसका डीआर आया आपका 15,000 और इसका डीआर आया 30,000, ये कुछ आ गया ऐसे सपोज एक एग्जांपल लिया। तो अब बोलो एफ का 16,000 18,000 कौन सा ज्यादा है सीआर साइड, कितना 2,000, तो ए तो सीआर होगा, सीआर ज्यादा है तो सीआर ही होगा, कितना 1000 से 2000 से। वाई कौन सा ज्यादा है 15 और 13 डेबिट ज्यादा है, कितना 1000 है 2000, यानी एंट्री कुछ ये बन जाएगी वाई अकाउंट DR to X कितने 1000 से 2000। याद रखना ये अमाउंट आपको इक्वल नहीं करनी, अपने आप इक्वल हो जाएगी, ये अमाउंट अपने आप ही क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, आपको उस चीज का कोई टेंशन नहीं है कि कैसे होगी, बस आपको तो ये चीजें सही से लिखनी, ये चीजें अगर आप सही से लिखते हैं फर्म में बैलेंस करते हैं उस बैलेंस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद सिर्फ प्लस करना है, प्लस करने के बाद अगर बाय द वे किसी का डीआरसीआर इक्वल आ जाए तो उसको कुछ भी नहीं करना, जैसे कई बार तीन पार्टनर होंगे एक का इक्वल आ जाएगा तो छोड़ दो उसको, जिसका इक्वल नहीं आया तो वो देखो वो डीआर है या सीआर, अगर डीआर ज्यादा है तो वो डीआर होगा, सीआर ज्यादा है तो वो सीआर, जैसे इसका डीआर ज्यादा था तो इसको डीआर,
इसका सीआर ज्यादा था, इसको सीआर डीआर पहले लिखे जाते हैं, सीआर बाद में लिखे जाते हैं, एंट्री हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। बोलो ये सिंगल एंट्री समझ में आई? आया क्या समझ में? मैं कुछ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो करेंगे अपना माइक पर बताएंगे। रिया केजरीवाल आया समझ में? यस सर। आ गया? यस सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। मोहित बताना सर, या यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस सर। तो इसमें ये याद रखना, तलीशा तलीशा यस सर। यस सर। लेट ज्वाइन किया क्लास में आज, बीच में ड्रॉप हो गया था क्या? आगे? यस सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। चलो इसको एक बार मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, सुनना। बस पासिंग एंट्री में हमें कुछ भी नहीं एडिशनल करना है, सिर्फ एक टेबल को क्रिएट करना है जिसमें पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हमने डीआरसीआर होंगे और इनके अपोजिट होगा फर्म डीआरसीआर के नाम से। अब आपको अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स कैपिटल के रूल अप्लाई करने हैं। जब भी मैंने लिखा बेस्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल कितना आता है? सीआरसी सीआर फर्म के डीआर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के डीआर, तो फर्म के सीआर। सेल्स एंड ओनर्स कमीशन पार्टनर्स के सीआर, फर्म के डीआर। सब चीज लिखने के बाद फर्म को क्या करो? बैलेंसिंग इक्वल हो जाना चाहिए, बैलेंसिंग एंट्री। ये बैलेंस फर्म के किधर भी आए, जिस साइड आए, डीआर आए या सीआर आए, आपको अपोजिट बांटना है पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद पार्टनर्स के प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जो पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा है उसको डीआर करना है, जिसका क्रेडिट साइड ज्यादा है उसको सीआर करना है, और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया थ्योरी से, अब बस इसी टॉपिक्स के प्रैक्टिकल बचे हैं, हमें बस प्रैक्टिकल करना है। और कल मेरे से जितने प्रैक्टिकल्स हो सकेंगे मैं कर दूंगा, बाकी आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे। याद रखो नेक्स्ट मंडे जब भी होगा हम मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और आपकी नोटबुक के साथ मिलेंगे। आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए मंडे को, प्लस आपकी जो नोटबुक है वो होना चाहिए, और आप ये दोनों चीजें मुझे सबमिट कराएंगे मंडे को। तो एक मिलना हो जाएगा, प्लस हमारा होमवर्क का क्या हो जाएगा? स्टैम्पिंग में हो जाएगा। तो आप मंडे को जो भी आपका वर्क है वो एक बार लेके आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और सबमिट करवाएंगे। ये नेसेसरी है क्योंकि मैं सेकेंड चैप्टर में उसी को ऐड करूँगा जिसका फर्स्ट चैप्टर चेक है। मैं जो जो चेक करवा लेगा उसके नाम लिस्ट में बना लूंगा, और मंडे को तो भाई बच्चे आते रहेंगे, तो मंडे को आप एक बजे तक कभी भी आ सकते हो, नो डाउट। एक साथ नहीं आना है, चाहे एक दो जने मिलकर आपस में आ जाना बात बात करके, लेकिन मुझे सबमिट करवा देना। और उसके बाद जैसे ही ट्यूसडे होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्लास में ज्वाइन बिल्कुल नहीं होंगे अगर आपका होमवर्क कम्प्लीट नहीं है। तो होमवर्क कम्प्लीट है, स्टैम्प करवाओ मंडे को, मंडे को स्टैम्प करवाओ, ट्यूजडे को क्लास ज्वाइन करो। अगर मंडे को स्टैम्प नहीं है आपकी कॉपी में तो मैं ट्यूजडे को क्लास में नहीं ऐड करूंगा बेटा जी, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। और मंडे को आप स्टैम्प करवा लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा टेस्ट भी है, तो मंडे को वैसे भी नेक्स्ट नहीं पढ़ाएंगे, नया चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। मंडे को या तो इसके जो क्वेश्चन रह जाएंगे या किसी कोई प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्यूशन कर देंगे। याद रखो अगर बाय द वे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए तो भी मंडे को आप मेरे से आके कंसल्ट कर सकते हो, हम कंसल्ट कर लेंगे थोड़ी सी देर बैठ के। और गैपिंग से आप अपना टाइमिंग किसी को मत बताओ कि आप किस टाइम पे आने वाले हो। हाँ, दो तीन फ्रेंड्स मिलकर अपना टाइम सेट करो, दो तीन साथ आए, दो तीन साथ आए, दो तीन साथ आए। लगभग आप सुबह 9 बजे से लेके आप आ सकते हैं 1 बजे, और मैं कहूँगा इतना धूप में नहीं आऊँ। आपको सुबह 8 बजे से लगभग 11 o'clock 9 10 11 हो, 3 आवर्स बहुत होते हैं, 8 to 11 ही आप आ जाओ सारे के साथ।
जैसे भी टाइम मिले, कोई 8 बजे आया, कोई 8:30 आया, कोई 9 आया, नाश्ता वास्ता करके आया, जैसे जिसको सुटेबल हो। बाय द वे किसी के प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आ सकता तो मैसेज भेजेगा या अपनी नोटबुक किसी के साथ भेजेगा, किसी के साथ सबमिट करवा दो। आप भेज दो बस अपना ब्रदर को, अपने मम्मी को, पापा को, किसी को कह दो ये सबमिट करवा दो, वहाँ धीरज जी नाम से मिलेगा आपको, उनको सबमिट करवा दो तो मेरे से कंसल्ट कर लेंगे, सबमिट करवा दो, आप मुझे जानते हो। तो ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए और इसके क्वेश्चंस मैं आज नहीं सॉल्व करूंगा। इसके क्वेश्चन मैं कब सॉल्व करने वाला हूँ? कल सॉल्व करेंगे, आज तो बस इसका बेस तैयार किया है ताकि आज जो क्लास में नहीं है वो कई बच्चे वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो देख के इसको देख ले कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और सॉल्व होने के बाद हम आगे की प्रोसेस इसमें चालू करेंगे। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ, किसी की कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट? चलो अच्छे से पेपर दोगे, जब भी पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हमने शामिल किया है, क्योंकि इतना छोटा तो पेपर बनाना था तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही लिया गया है। तो जो पेपर में है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाय द वे कुछ मिस भी हो जाए तो उसको कंसल्ट करना हमसे, उसको वापस से आपको अच्छे से आना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दुआ करो कि क्लासे ऑन हो जाए, नहीं तो बहुत लंबा चल। कब 21 तारीख को हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, 21 को ही आप इस टाइम के लिए आओ, एक महीना हो गया और वो भी सारे क्वेश्चन एकदम क्लियरली, वो जो टच बनता है वो नहीं बन पाया, सारे बच्चे नहीं हैं आपके, जो भी स्टूडेंट आपके टच में उनको बोलो कि क्लास लिया करो, कई बच्चे क्लास ही नहीं लेते, फोन करते तो कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कुछ नहीं है, कोई बीमार नहीं, कोई रोग नहीं, बस दिमाग में एक हवा बैठ गया, बस ठीक है ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। अरे बीमारी ऐसी है नहीं पढ़ोगे तो जाओगे। चलो कुछ पूछते हैं आज सभी बच्चों से, हाँ जी, सबसे पहले कॉमन सूत्र, कॉमन सूत्र, यस सर, कॉमन सूत्र ये बताओ कि पार्टनरशिप के मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन कितने हैं? क्या सर? पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन कितने हैं? सर मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम 50। बहुत बढ़िया, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मोहित राणा सरिया, यस यस सर, पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट का नाम क्या है? एक एग्रीमेंट होता है रिटन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रिया केजरीवाल, ये पार्टनरशिप डीड है ये रिटन होना नेसेसरी है? प्रिया केजरीवाल सर, ओरल भी हो सकते हैं। हाँ जी सर, ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। नहीं है, ये क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट है राधिका, यस सर। चलो पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होता है तो जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो रूल्स बोलो राधिका। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड होगा। बिल्कुल,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं होगा बिल्कुल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स भी रिसीव नहीं होगा बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स भी चार्ज नहीं होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनुअली चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनुअली होगा, बहुत अच्छा, और रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड नहीं होगा, कोई भी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं होगा, बहुत बढ़िया। रिया केजरीवाल, रिया केजरीवाल, रिया केजरीवाल आप बताओ, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अकाउंट ओपन होते हैं उसके कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप से मेंटेन कर सकते हो पार्टनर्स अकाउंट, कितने टाइप से मेंटेन हो सकते हैं वो मैटर है ना। रिया केजरीवाल चलो तनु आप बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है वो कितने मेथड से मेंटेन हो सकते हैं? सर टू टाइप से। कौन कौन से? फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। लास्ट एंड फाइनल वर्षा जगदानी। यस सर। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में दो डिफरेंस बताओ। फिक्स्ड के अंदर तो दो अकाउंट होते हैं और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल। और जो चीज फिक्स्ड में पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है वही फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में आती है। बिल्कुल, यानी एडजस्टमेंट फिक्स मेथड में तो करंट में होता है जबकि फ्लक्चुएटिंग में सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में होता है। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है आपको कोई भी ऑन करके बताना, एक चीज बोल रहा हूं, कौन से मेथड में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, कौन से मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकता है, कोई बताएगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग मेथड में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है जबकि फिक्स मेथड में हमेशा क्रेडिट होता है। फिक्स मेथड में हमेशा क्या होगा? क्रेडिट, जबकि फ्लक्चुएटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकता है। ओके, इस तरीके से हमारा आपका जो थोड़ा बहुत हमने आज रिवाइजेशन करवाया, अच्छा खासा रिवाइजेशन था, नो डाउट अच्छा किया आप हमने, बढ़िया कर रहे हो।